ये आपका कंपाला का बस स्टैंड खतरनाक दिखता है ना भाई। यू वेरी ब्यूटीफुल, यू वांट टू कम विद मी टू कंपाला प्लीज कम। पेट्रोल का हिसाब बता देता हूँ मैं, 4850 का एक लीटर मिलता है भाई यहाँ पर। जंप लॉन्गर, जंप लॉन्गर। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो अभी हूँ मैं लास्ट वाली लोकेशन जिंजा युगांडा के अंदर ही, और आज का अपना टूर होने वाला है यहाँ से लेके कंपाला, कंपाला जो कि आपका कैपिटल है युगांडा का। हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिंजा युगांडा। तो आज भाई हम जिंजा से जाने वाले हैं कंपाला के लिए, कंपाला जो कि कैपिटल है युगांडा का। और मेरे पीछे आप ये जो सुंदर सी बिल्डिंग देख रहे हैं भाई, ये वो वाला चीज़ देख के पहचान सकते हैं क्या चीज़ें भाई, गुरुद्वारा साहिब। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको गुरुद्वारे मिल जाएंगे। यहाँ पे आया था मैं 3 दिन पहले, यहाँ पे रेस्ट किया, तबीयत ख़राब था, बुखार वगैरह चढ़ा हुआ था गंदा। अब रिलैक्स हूँ, बिल्कुल सही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और भाई ये आपके गुरुद्वारा साहिब के रूम्स और लग्जरी वाले कमरे हैं भाई, ऐसे कोई टाइम पास वाली बात नहीं है। देखो आप, ओहो, ये किचन के लिए कंपार्टमेंट दिया हुआ है, ये आपका टॉयलेट बाथरूम हो गया, ये भी अच्छा है यार बिल्कुल। और ये अपनी पैकिंग हो चुकी है भाई कंप्लीट, और जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम जो है वो अराउंड 11:30 11:30 हो चुका है। और ये भाई थोड़ा खाना पीना अपना बच गया था, तो साथ में तो क्या ही कैरी करूँगा, नीचे जो ग्रंथि साहब हैं उनको दे देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और मेरा वजन भी कम हो जाएगा। तो ये भाई गुरुद्वारे का अपना लंगर हॉल, बड़ी मस्त वाली सुविधाएँ हैं यार यहाँ पे। तो निकल चुके हैं अपने गुरुद्वारे से बाहर, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, बिल्कुल खुला खुला और पीसफुल वाला सिटी है ये। और ये था अपना सुंदर सा गुरुद्वारा साहिब, तो यहाँ से कोई बोटो बोटो पकड़ लेते हैं, पैदल चल के जाऊँगा तो आधा एक घंटा लग जाएगा यार। जस्ट ड्रॉप मी टू कंपालास मटैटो, ओके? हाउ मच? 1K आई थिंक। हाँ तो भाई साहब पहले पेट्रोल पंप पे ले आए पेट्रोल भरने, और पेट्रोल का हिसाब बता देता हूँ मैं। हाउ मच फॉर 1 लीटर? 4800। 4850 का 1 लीटर मिलता है भाई यहाँ पर। तो ये भाई जिंजा का आपका लोकल मार्केट, और यहाँ पे भी सिलाई वगैरह बहुत चलती है लोगों की, वही कपड़े जूते वाला क्रेज यहाँ पे। हेलो, यू वेरी ब्यूटीफुल, यू वांट टू कम विद मी टू कंपाला प्लीज कम। सच में दिल को छूगी लड़की मेरे, लेकिन लेकिन ऐसे इंडिया तक मैं लेके जाऊँगा तो फिर प्राइवेट जेट हायर करना पड़ेगा मेरे को। यार भाई साहब ने मेरे को कंपाला के लिए जो आपको मटैटो मिलता है स्टैंड पे तो उतार दिया, लेकिन उससे पहले जरूरी काम कर लेता हूँ, कोई बैंक ढूंढ के पैसा निकाल लेता हूँ, पैसा है नहीं मेरे पास ज़्यादा। स्टैंड पे बैंक, ये शायद विजय एक्सेप्ट कर लेता है यार। भाई एटीएम तो मिल गया लेकिन कार्ड मेरा काम कर नहीं रहा है, तो अभी के लिए बेटर ऑप्शन मेरे पास यही है, सामने फोरेक्स है, तो मेरे पास थोड़ा बहुत केन्या का पैसा पड़ा है, उससे एक्सचेंज करवा के 1-2 दिन काम निकाल लूँ जब तक कार्ड नहीं चलता। ये मिला है भाई मुझे 25,000 युगांडन शिलिंग्स, इसे 1-2 दिन काम चला लूँगा मैं, मुश्किल होगा लेकिन कोई बात नहीं, करना पड़ेगा जब तक कार्ड नहीं चलता। और यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, पेट्रोल डीजल के अलावा केरोसिन भी मिलता है, जो अपने लोकल राशन कार्ड पे मिलता है ना वो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे मिलता है भाई केरोसिन। और यहाँ पे कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रही है भाई सामने की तरफ, इसी वजह से मेरे बोटो बोटो वाले ने मुझे थोड़ा पीछे उतार दिया था, तो पैदल चल के जाना पड़ेगा अपने को अपनी मटैटो तक। विच वे, वेयर इज इट? अंडर द ट्री? ओके। तो भाई ये सामने खड़ी अपनी मटैटो कंपाला की, जल्दी मिल गया, टाइम नहीं लगा इतना। कंपाला ओके, साइकिल रेस है, मैं सोचा कोई स्ट्राइक वगैरह है। तो भाई जो कंपाला है आपका वो यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है, अराउंड 70-80 किलोमीटर होगा, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि 2 घंटे ले लेगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ, जो भी मतलब रास्ता है ना पूरा आसपास, मैं आपको दिखाता चलूँगा सीन्स कि पूरा आपका जो चाय प्लांटेशन का एरिया है, टी प्लांटेशन टोटल अराउंड 3-4 लाख टन पर ईयर के हिसाब से, छोटा सा देश है भाई, आपके राजस्थान से भी छोटा है, लेकिन चाय का प्रोडक्शन हद से ज़्यादा है। भाई 2 बजे का बोला था टाइम, देखो
चार बसने को रखे यहाँ पे अफ्रीका में, कुछ भी बोलो टाइम के ऊपर किसी के ऊपर भी भरोसा मत करो। इंडिया वाला टाइम भी इससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर एक घंटा बोलते हैं तो डेढ़ लग जाता है, हमें दो घंटा बोला चार लगने को और अभी भी पहुँचे नहीं, 15 किलोमीटर पीछे है हम लोग। सो फाइनली भाई ने छोड़ तो दिया मेरे को, कितने चार के भी 5 घंटे लगा दिए। द नेम ऑफ दिस सिटी कंपाला। हाँ और भाई अब दिखाता हूँ आपको कंपाला का सबसे मस्त वाला चीज़, जस्ट लुक हियर, ये आपका कंपाला का बस स्टैंड, खतरनाक दिखता है ना भाई, न्यूयॉर्क जैसा लगता है यहाँ से देखने से सच में। तो जल्दी से कोई मटाटू पकड़ते हैं और निकलते हैं हमारी डेस्टिनेशन के लिए। और भाई यहाँ पे गन्नों का साइज देखो आप, सेम अफ्रीकन के जैसा ही है। तो ये भाई आपकी कंपाला का ट्रैफिक, और भाई को हायर कर लिया मैंने, मेरे को यहाँ से जाना है अराउंड 6 से 7 किलोमीटर, इसको दिए मैंने 4000 रुपये, घबराना मत, 4000 सीलिंग बोले तो इंडिया का 90 रुपये चलता है भाई। सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लाल 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 ही मिलेंगी, सड़क भी आपको लाल लाल दिख रही है क्योंकि ये ऐसी मिट्टी है यार, यहाँ पे उड़ता रहता है। और बाकी चीज़ तो देखो पेंट भी इन लोगों ने सब चीज़ों की लाल ही की है, लेकिन अच्छा टाउन लग रहा है भाई, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मेरे को। गो स्ट्रेट या भाई को कहाँ पे घुसा दिया मैंने यार, मैं इसको मैप पे बताता आ रहा था, यहाँ चल यहाँ आके फंस गए हम लोग यार। भाई रोड वगैरह आपके केन्या में ज़्यादा अच्छे थे, युगांडा में रोड वगैरह इतने अच्छे नहीं है, लेकिन नेचर और वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, चेक करो। हाँ और सामने देखो क्या नज़ारा दिख रहा है, पूरा कंपाला दिख रहा है आपको, हम बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल आ गए हैं कंपाला की, कौन सा एरिया है पता नहीं, और ये आपका कैथोलिक चर्च है। अच्छा थैंक यू हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। मेलोडी एंड व्हाट्स माइसेल्फ? पुलकित। पुलकित, या ओके, शॉर्ट नेम बडू। बडू, सो हाउ शुड वी कॉल यू? द कंफर्टेबल फॉर यू, पुलकित और बडू। पुलकित, या दैट्स ओके। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? तो फाइनली बहुत सारे स्ट्रगल के बाद मैं पहुंच चुका हूं अपने होस्ट के पास में, और ऐसा कुछ भाई मेरे होस्ट का कंपार्टमेंट, एक्चुअली ये एक एनजीओ चलाती है, खुद का एनजीओ, सो हमारा कॉन्टैक्ट अराउंड पिछले 3 से 4 महीने से था, तो इसने बोला कि जब भी युगांडा हो तो मेरे पास आ जाना, सो आई एम हेयर। और ऐसा कुछ खाना दिया मेरे को, ये आपका लोकल युगांडा की डिश है, इसका नाम मेरे को याद नहीं है, जो आपके कच्चे केले होते हैं ना उसको बॉयल करके पका के साथ में टमाटर के साथ में, और ये मैंने अपने हिसाब से ऊपर पीली पीली डाल ली है, पीली पीली बोले तो रेड चिली। हे गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो अभी हूँ मैं आपका कैपिटल ऑफ युगांडा कंपाला के अंदर अपने होस्ट मेलोडी के साथ में, और लेट्स से हाय इन माय कैमरा। कैन वी डू दैट लाइटर? यू आर लुकिंग एंग्री। नो, वी आर गेटिंग लेट, आई नो। To myself a promise, I won't quit, keep going till I got it, I won't give up till I'm... ये पहुंच चुके हैं भाई अपने क्लाइंबिंग साइट के ऊपर, और कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, हार्डली से हार्डली 50 या फिर 80 फीट के आसपास होगा। यू कम हियर एवरी संडे? नो, जस्ट समटाइम्स आई कम हियर। ओके, तो भाई ये आपका हार्नेस है, मेरे को तो पता भी नहीं कैसे पहनते हैं ये भंगड़ा, क्योंकि मैंने पहले ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम फॉर मी, सो ये बता रही है मेरे को ऐसे पहनना है ऐसे नहीं पहनना, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है भाई इस पे चढ़ जाऊंगा मैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो भाई रेडी, रस्सी बांध के, सबसे पहले मैं छोटे वाला कर रहा हूँ, कोई बड़े वाला नहीं कर रहा, इसको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा। You trust me or not? You have to trust me. Your life is here on my hands. You come a bit right. You have to go, yeah. Yeah. And no, you don't fear. भाई मेरे वाला तो हो गया, कोई ज़्यादा हार्ड लगा नहीं मेरे को, क्योंकि वो सबसे इजी वाला था वो वाला, बट असली मज़ा इसके अंदर आएगा, और मज़ा नहीं भाई मेरे को तो पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा अगर अभी करूँगा तो, क्योंकि मेरे को इतना आता नहीं है भाई, अभी भी बारी आ चुका है अपने मेलोडी का। ये भी बड़ा वाला कर रही है, ये भी इजी नहीं है, हार्ड है, मैं भी नेक्स्ट टाइम ये वाला करूँगा, नेक्स्ट टाइम मतलब अभी। भाई ये सही क्लाइंबर है यार, एक सेकेंड के अंदर वहाँ पर, हाँ इसको प्रैक्टिस है ना भाई, ये वाला थोड़ा ज़्यादा हार्ड है यार, इसके अंदर कोई ग्रिप नहीं है ना, देख रहे हो आप,
मेरे वाले में ग्रिप बहुत थी, यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है भाई। असली वाला लौंडा तो ये है, देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी ग्रिप नहीं यहाँ पे पकड़ने के लिए। फिर भी कहाँ पे स्पीड देखो इसका। हाँ चढ़गी 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 भाई, अपने वाले भी चढ़गी। मेलोडी वहाँ पहुँच चुकी है जस्ट स्टैंडिंग पॉइंट पे, अभी वापस आ रही है वो। मेरे को ना सबसे ज़्यादा मज़ा वापस आने में आता है, देखना चीज़ ऐसा है ना, नथिंग टू डू जस्ट जंप, बाकी नीचे वाला बंदा संभाल लेगा। सो मेलोडी नीचे आ चुकी है, अब वापस मेरे बारी। मैं हार्ड के हिसाब से लेवल का अगर बात करूँ, पहले मैंने फर्स्ट वाला किया था, 7 लेवल है यहाँ पे, अभी मैं स्विच कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4 चौथे के ऊपर। ये ज़्यादा ही हार्ड है भाई, देखते हैं लेकिन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले भाई इस रस्सी में एक इट बनाया जाता है ग्रिप के लिए, ये इट हमारा रेडी है। अभी ये सेफ्टी के लिए नीचे खड़ी रही ये वाली रस्सी, जैसे जैसे मैं ऊपर खींचता चला जाऊँगा ये नीचे इसको खींचती जाएगी। You come. You look to your right. Yeah, then you have to put weight on it. It's yeah, you fall in, fall in. You have to come down. Yes, we're here to take videos, not climbing. He's from India. Huh? He's from India, he's a YouTuber. So भाई अभी मेलोडी चढ़ रही है सबसे हार्ड वाले के ऊपर, मेरा चौथा स्टेप था और इसका छठा। भाई बाकी तो कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, आपको प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस किस चीज़ की? ये वाले जो टो है ना आपके, ये आपका ग्रिप बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत टाइट होना चाहिए। मैं जो नॉर्मल वाले कर रहा था उसके अंदर भी ये दर्द करने लगता है। What about you? From how long you are doing this? Is that an interview? Uh-huh. I've been young when I first did it, but then I've got years where I don't climb once. And what about the longest one you have done? The highest? Probably this. This one only? Ah. Only this one, yeah. Yeah, only. तो भाई क्लाइंबिंग अपनी हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम वापस निकल रहे हैं अपने घर के लिए। और अभी शाम का टाइम है, अराउंड 5:30 के आसपास हो रखा है। तो कंपाला के नज़ारे देखना भाई, बहुत सुंदर शहर है, लगता ही नहीं अफ्रीका जैसा, आपको सेम यूरोप वाली वाइब्स आएंगी यहाँ पे। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. तो भाई घूम घाम के वापस पहुंच चुके हैं घर पे, और भूख बड़ी तगड़े वाला लगा है, मेहनत इतना किया ना भाई। तो ऐसा कुछ खाना ये सुबह छोड़ के गया था मैं, अपने खाया नहीं था। चलो बचा हुआ अच्छा है, और कुछ फ्रिज में रखा है क्या? हाँ इससे काम अच्छा हो जाएगा अपना। तो भाई घूम घाम के वापस पहुंच चुके हैं घर के ऊपर, और यहाँ पे आते ही मुझे लग गया भूख, तो खा रहा हूँ मैं अपना खाना। और आज के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, माउंटेन क्लाइंबिंग कुछ नहीं भाई, इससे बकवास कुछ है ही नहीं। ये ना सिर्फ ये जो आपके गोरे लोग हैं यूरोप अमेरिका से, इनका भंगड़ा है, बाकी अपने इंडियंस के लिए यार बोल चली जाती है। तो पहाड़ के ऊपर साला वहाँ पे चढ़ के लेके आते हैं, लाइट नहीं होती तो पहाड़ पे चढ़ के खंभे पे चढ़ के उसको हिलाते हैं। तो ये क्लाइंबिंग ही तो है साला, इसके लिए 20,000 पे करना पड़ा मुझे जेब से, कोई मतलब नहीं है। तो वो सरप्राइज थी मेरे से कि तूने बहुत अच्छा किया, ऐसा किया वैसा किया, पहले भी तूने किया, तू झूठ बोल रहा है मेरे से। हमने पहले कभी नहीं किया भैया। हम भाई मेलोडी मेरे से सरप्राइज थी, बोला कि तूने पहले भी कभी किया, तू झूठ बोल रहा है मेरे से। बोला ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले कभी नहीं किया। बस ये माउंटेन क्लाइंबिंग किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना उतरना तोड़ना फोड़ना, ये हमारे इंडियंस के खून में ही है भाई। भाई जब मैं इस घर के अंदर आया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो लड़की है ये यहाँ पे NGO चलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बच्चों का फंक्शन चल रहा है, मतलब ये लोग खुद ही एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, उस उन बच्चों से मिलवाता हूँ मैं आपको। भाई स्ट्रीट बॉयज होते हैं ना जो नशे वशे करते हैं, ग्लू पीते हैं, उन सब लोगों को मतलब यहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल देने का ट्राई किया जाता है।
Namaste means greeting. Hello. Namaste. Jakin Jamin, there's no meaning. What do you want to see? Yeah, I want to see your Naku. No, okay, it should be meat. Okay. Try it harder. He's a real man. Do it harder. More harder. लाल करके छोड़ा है भाई लोगों ने दिख रहा है भाई ये म्यूजिक अच्छा है ना कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और यहाँ पे फील वाइब्स बताऊँ कैसे आ रही है राजस्थान हरियाणा की साइड की जैसे होली की तरफ वाइब्स नहीं आती वो वाले गाने चल रहे हैं सेम सेम Okay, I'm going to